जैसे आप जानते हो कि क्रिकेट के चाहक बहुत लोग हैं, और ये वर्ल्ड कप जब पहली बार अहमदाबाद में होने जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, और यहाँ की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा 1,32,000 की कैपेसिटी है, तो करीब 35,000 लोग करीब बाहर से आते हैं, पूरे दुनिया से और पूरे शहर से, और जबकि यहाँ सप्लाई डिमांड में काफ़ी गैप है। इसकी वजह से आज जैसे ही मालूम पड़ा, उस दिन से पहले दिन से ऑनलाइन बुकिंग उठना शुरू हो गई, और बुकिंग किसी ने 10 गुने पे, किसी ने 20 गुने रेट पे, कई लोगों ने बुकिंग की, किसी ने 2 गुने पे भी की है। जैसे जैसे अपने हर एक होटल वाले ने अपने अपने हिसाब से बुकिंग की है, ये सप्लाई डिमांड के गैप के कारण से। खास करके 5 स्टार 7 स्टार का किस तरह से पूरा रहा, और 3 स्टार 4 स्टार का पूरा किस तरह से रेट। फाइव स्टार ने लगभग जो पहले आज 10-12 हज़ार के 8-10 हज़ार में बेच रहे, 12 हज़ार में बेच रहे थे, वो आज 50 हज़ार भी बेच रहे हैं, कोई 60 हज़ार भी बेच रहे हैं, अलग अलग होटल अलग अलग हिसाब से बेच रहे हैं। और 3 स्टार होटल ने कोई 15 हज़ार भी बेच रहा है, कोई 20 हज़ार भी बेच रहा है, और 2 स्टार होटल वाला है वो कोई 5 हज़ार भी बेच रहा है, कोई 10। हर एक होटल ने अपना रेट बढ़ा दिया है, मतलब क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। और हमको अभी मालूम पड़ा है कि लोग, कई लोग अभी इसी कारण नड़िया, बरोड़ा और आजू बाजू जो 100 किलोमीटर की रेंज है ना, उधर भी होटल बुक करा रहे, ताकि वहाँ से बाय रोड आ सके, वो अटेंड कर सके। मतलब खास करके इसके साथ रेस्टोरेंट में भी किस तरह से पूरा। देखो, आज बाहर से टूरिस्ट आएंगे, 30-35 हज़ार टूरिस्ट के 50 हज़ार टूरिस्ट आएंगे, तो नेचुरली आज वो 2 दिन यहाँ खाना पीना यहीं खाएंगे, तो मोस्टली होटल में और रेस्टोरेंट्स में और हर जगह एक बढ़ावा तो मिलता ही मिलता है।